स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इकाई का अंक निकालना सीखा था। पार्ट सेकंड में हम लोग विभक्त के नियम देखेंगे, डिवीजन रूल क्या है। जैसे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का कि 4116 में क्या जोड़े की योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो कुछ रूल है जो 2 से कटने के लिए, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, उन रूल को हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। रूल से भी आपको क्वेश्चन लगाने के लिए हम बताएंगे और आप शॉर्ट मेथड से कैसे लगा सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले 2 की बात करते हैं कि 2 से विभक्त होने के लिए क्या नियम है। तो 2 से विभक्त होने के लिए आपका जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, मीन्स आपकी सम संख्या हो। इकाई का अंक क्या हो आपका? सम संख्या हो। इकाई आपकी क्या हो? सम संख्या हो, तब आपका क्या हो जाएगा? वो 2 से विभक्त हो जाएगा। ये है आपके 2 से कटने का नियम। बात करते हैं 3 की। तो 3 से कटने के लिए आपके लिए, जैसे आपके पास कोई भी नंबर दिया गया हो, कोई भी नंबर जैसे 84246, ये नंबर आपको दिया गया है, पूछा जाए कि क्या ये नंबर आपका 3 से पूर्णतः विभाज है या नहीं, तो आप सोचेंगे नहीं, नंबर को आप केवल ऐड कर लेंगे। सारे नंबर को आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। 8 4 12 12 2 14 14 4 16 14 4 18 और 18 6 24। 8 4 12 12 2 14 14 4 18 6 24 ऐड करने के बाद जो नंबर आपका आएगा, अगर वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है तब तो ये संख्या आपकी 3 से पूर्णतः विभाज होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम देख सकते हैं कि हम इस नंबर को ऐड किए, हमारा 24 आया जो कि 3 से विभाज हो रहा है। तो ये है 3 से विभाज होने का नियम। और यही केस हमारा राइज होता है 9 से। 9 से भी क्या होता है? अंकों को जोड़ना है। अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। ये हम 3 में भी करेंगे और 9 में भी करेंगे, क्योंकि दोनों हमारी विषम संख्या है। अंकों को जोड़ेंगे और अंकों का जोड़ अगर 36 आता है या 24 आता है या 36 आता है या आपका 45 आता है, तब तो आप कहेंगे कि 9 से डिवाइड, क्योंकि 9 टेबल में 36 आता है और 45 आता है। बट अगर 24 ही आया, जैसे इस क्वेश्चन होता, यहां पर भी ये क्वेश्चन होता और पूछता 9 से है कि नहीं, तो आप उसको ऐड करके कितना आता? 24। और 9 की टेबल में आपका 24 नहीं आता है, इसीलिए ये विभाज नहीं होगा। 9 से विभाज होने के लिए क्या आवश्यक है हमारा? कि अंकों का जो जोड़ है वो 9 की टेबल में आना चाहिए या 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका नियम 9 से। उसके बाद बात करते हैं 4 से। तो 4 से विभाज होने के लिए जो आपका नियम है वो है कि आपके लास्ट के जो 2 डिजिट हो, लास्ट के 2 डिजिट हो, जैसे 84248 लास्ट के 2 डिजिट हो, वो आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए, तब आपका ये रूल अप्लाई होता है। एक दहाई अंक और इकाई अंक आपका 4 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। दहाई का और इकाई का अंक, दहाई का इकाई का अंक आपका 4 से क्या होना चाहिए? दहाई का और इकाई का अंक आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए, तब आपकी ये फॉलो होगा कि विभक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अगर बात आ जाए 8 की, तो 8 से के लिए हम क्या करेंगे? 8 के लिए हमारे पास इकाई, दहाई का सैकड़ा, ये तीनों जो होते हैं तीनों डिवाइड होने चाहिए। मीन्स जैसे कोई क्वेश्चन आपको हो जाए 891416, कह दिया जाए कि ये इसमें ये 8 से डिवाइड है या नहीं, तो आप करेंगे क्या? लास्ट की 3 डिजिट उठा लेंगे, 416 इकाई दहाई सैकड़ा, इस 3 डिजिट को उठा करके आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये कट जाता है तो मींस ये पूरा फॉलो होगा, मींस 8 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। करके देखते हैं, 8 5 जा 40, 1 आया आपका 6, 8 2 जा 16, कट गया कितना है? 52। लेकिन 8 से हमारा क्या हुआ? 416 कट गया, मतलब 8 से विभाज होने के लिए लास्ट की जो 3 डिजिट आपकी है वो डिवाइड होनी चाहिए। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारा 4116 में क्या जोड़े की योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 से विभक्त होने के लिए रूल क्या बताया है? लास्ट की 3 डिजिट जो हमारी है वो क्या होनी चाहिए? 8 से डिवाइड। लास्ट की 3 डिजिट हमारी यहाँ पे कितनी है? 4116 116, 8 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 8 1 जा 8, 3 आया आपका 6,
एट फोर जा 32, कितना बच गया 4। मीन्स यही 4 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं 116 में तो क्या हो जाता हमारी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाती संख्या। चेक करते जरा सा, 160 प्लस 4 कितना 120 हो जाएगा हमारा। 120 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 बन जा 8, 4 बचा आपका 0, 8 5 जा 40। ये देखिए अगर यही 4 हम ऐड कर देते तो हमारी ये संख्या क्या हो जाती 4 से 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। इसमें कोई ऑप्शन 4 का है, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन 4 का है आपका, ये क्या हो गया सही। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, लास्ट वीडियो उठा करके सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, लास्ट वीडियो उठाना है, चेक करना है, आंसर आपके सामने होगा। अगर आप ये नियम भूल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसी क्वेश्चन को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आपका रिमाइंडर है शेषफल 4 बच जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ये कुछ नियम थे, आगे और भी नियम आपको लगे जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखते हैं 11 से विभक्त होने के क्या नियम हमारे। तो 11 से जो है विभक्त होने के लिए आपका इकाई से बाई ओर, कहां बात करते हैं इकाई से बाई ओर चलने पर, इकाई से बाई ओर चलने पर आपका जो होगा सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, के अंकों का योग जो होगा वो आपका माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा विषम स्थानों के अंकों के योग के, स्थानों के अंकों के योग के माइनस होगा। और माइनस करने पर अगर वैल्यू आपकी जीरो आती है, क्या आती है वैल्यू आपकी जीरो आती है, तब तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, अन्यथा वैल्यू आपकी ऐसी आती संख्या आती है आपकी जो 11 की टेबल में आती है, 11 के पहाड़े में आती है या 11 के टेबल में आती हो तो वो हमारी 11 से विभाजित एक संख्या प्राप्त होगी। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है इसको हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं 11 से विभाजित होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या इकाई से बाई ओर, इकाई से बाई ओर क्या होगा सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। तो हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, सम स्थान कौन सा हमारा ये है 6 प्लस 7 प्लस 6 उसका प्लस 2, ये सम स्थानों के अंकों को हमने क्या किया जोड़ लिया। अब इसमें माइनस कर देंगे क्या विषम, पहला आपका कितना था 9, फिर कितना है 0, फिर कितना आपका फिर आपका 9 हो गया, फिर आपका 3 हो गया। सॉल्व करते हैं जरा सा, ये 7 6 आपका 13, 13 6 19, 19 2 आपका 21 हो गया, ठीक है। इधर पे ऐड करते हैं 9 9 18 3 21, माइनस करने पे क्या आ गया 0, 0 आ गया, मतलब दी गई संख्या जो हमारी है वो 11 से पूर्णतः क्या है विभाज्य है। आप लोग भाग करके भी चेक कर सकते हैं जैसा आपको बेसिक सिखाया जाता है। तो हमने देखा 11 से पूर्णतः क्या हो गई विभाज्य, तो ये है 11 का लॉजिक। अब एक हमारा और है 7 से विभाज्य होने के लिए, तो 7 से विभाज्य होने के लिए जो हमारे पास नंबर होगा उसमें इकाई का अंक हम लोग छोड़ देंगे, इकाई का अंक क्या करेंगे छोड़ देंगे, इकाई का अंक छोड़ देंगे। और जो क्वेश्चन होगा ऐसे एग्जाम्पल लेते 882, इसमें क्या करेंगे इकाई का अंक छोड़ देंगे, बाकी अंक हम लिख लिए 88 हमने लिख लिया। और जो इकाई का अंक छोड़ेंगे हम लोग, इकाई का अंक छोड़ेंगे उसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, उसमें गुणा करेंगे 2 से, उसके बाद माइनस कर देंगे। इकाई अंक हमारे यहाँ पे क्या था 2, इसमें गुणा कितने से करेंगे 2 से, क्या कर देंगे माइनस, देखते हैं हमारा आता क्या, फिर आगे बताते हैं क्या होगा। 88 माइनस 4 कितना आ गया 84। अब जो आपका 84 आया है अगर ये 7 से डिवाइड होगा तब तो ये संख्या 7 से आपकी डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 84 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जा 7 करके देख लेते हैं ऐसे अपना, 7 बन जा 7 4 1 आपका 4 7 2 जा 14, ये कट गया पूर्णता क्या हुई कट गई संख्या आपकी, मतलब 7 से संख्या पूर्णता विभाज हो जाएगी। अगर यही बार आपका 86 आया होता 7 से डिवाइड ना होता तो हम लोग क्या करते यह संख्या 7 से पूर्णता विभाजित नहीं होगी। अब आपके सामने एक दो क्वेश्चन आते हैं, आप उन्हें देखिए उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सामने एक दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट है आपका 803642 में कम से कम क्या जोड़े की ओर 11 से पूर्णतः विभक्त हो, जिसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सेकंड है आपका 502789 में कम से कम क्या जोड़े की योग 4 से पूर्णतः विभक्त हो, दोनों आप डिवाइड करके टाइप के जैसा रूल अभी आपको हमने बताया है और आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे आगे की प्रॉब्लम्स, आप इसे देखिए।